संगीत हम एमे ठीक बनी जैया नेता बने कोई तैया डायरेक्ट बन जाए हम अभी इरादा नहीं खे हमार दिखाई आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा मुझे लगता है कि इधर से खाली करके थोड़ा सा तो भरा भरा सामने नजर आएगा जितने भी प्रशासन है मैं चाहता हूं कि यहां से थोड़ा भाई लोगों को पीछे ले जाइए और नहीं तो कहीं बैठा दीजिए ताकि उसमें क्या होगा कि सब लोग व्यवस्थित नजर आएंगे नहीं तो एक एक आदमी आएगा और सारे लोग आगे आ जाएंगे और व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी धीरे धीरे थोड़ा सा सबको सब लोग अपना अपना पकड़ ले सर हम आग लगाते हैं सच में आग लग गई हम आग थोड़ी लगाते हैं आपका जलवा आग लगाता है भैया अब लग जाता है तो हमारे का दोष है जलवा है आपका नहीं ऐसे जलाने वाला जलवा तो नहीं है फेंको फेंको पानी फेंको बहुत अच्छा बहुत ये किसका दिमाग था अरे ये स्टेज को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं स्टेज थोड़ा मैनेज कर लेते हैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खिसारी सर आपके साथ साथ बीरगंज की नहीं बीरगंज की शान है ये ऑल ओवर वर्ल्ड इनका एक अलग फैन फॉलोइंग है प्रीति पासवान भी हम लोग के साथ एक बार जोरदार हल्ला फॉर प्रीति पासवान एवरीवन और साथ में एक और ऐसे व्यक्तित्व है यहाँ पे जिनका जलवा बीरगंज महानगर पालिका में चरम पे होता है एक बार उनको भी इस मंच में निपटाते हैं एक बार जोरदार ताली के साथ हल्ला और स्वागत करो वहाँ को बीरगंज महानगर पालिका का नगर प्रमुख आदरणीय राजेश मान सिंह जी मंच में निपटे आए मैं एक्चुअली जोरदार ताली वहाँ को लगी कहाँ है सब टीम इसी होटल में है ना संजय इसी होटल में है ना तो हैं कहाँ सब करण कहाँ है चलिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एक्चुअली नेपाल का कार्यक्रम करने में बड़ा रिस्क रहता है मुझे इसीलिए मैंने मेरे डिजिटल को बड़ा मैनेज करते हैं करण जी उनके साथ ही जितने भी लोग हैं और जितने भी इस चैरिटी शो के अच्छा मेयर साहब आए हैं तो मैं चाहता हूँ इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दो भाई हम तो आपका मनोरंजन करा सकते हैं लेकिन आपका विकास यही करने वाले हैं अच्छा अच्छा चलिए तो हम दोनों भाइयों की तरफ से ये उड़ा के हम शुभ संकेत दे देते हैं पर्यावरण के लिए दिल से थैंक यू थोड़ा सा वो हटा देना भाई सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और जोरदार हल्ला के लिए तैयार हो जाइए चलिए 1 2 3 चलिए ये बहुत जरूरी होता है तो करण को और उनके पूरे टीम को और थैंक यू आपका कि आप आए और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थोड़ा सा भीड़ यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं पीछे ऑडियंस भी है वो भी देखना है पीछे इतना अच्छा जमीन है बैठ जाइए आप लोग एपीएफ का दाजुहरू जिला प्रहरी कार्यालय का दाजुहरू अलग रिक्वेस्ट करना चाहे यो अगाडिको भीड़लाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्दिनको लागि सहयोग गर्दिनु होला प्रहरी दाजुहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे यो भीड़हरूलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्दिनको लागि सहयोग गर्दिनु होला सँगसँगै भोलिन्टियर टिम आर्टिस्ट टिम कृपया आफ्नो यथास्थानमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ राखिदिनु होला सर थोडा पछि आ जाए थोडा लाइट में लोग आपके चेहरे देख ले बहुत इन्तजार था आज सर एक प्रीति एक चीज यहाँ पे एक चीज हमको मतलब पिछले 3-4 महीने से प्लानिंग हो रहा है कि कब खेसारी जी को यहाँ पे बुलाया जाए कब खेसारी जी को बुलाया जाए एक चीज़ प्लानिंग हो रहा था और जब से ये प्लानिंग हो रहा है तब से मैं आपका ये गाना बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि ए राजा जाई बजा रे ले ले आई एगो कोको कोला ये बहुत सुना मैंने ये गाना और पूरा गाना मुझे एक
अच्छा पूरे गाने में मुझे बस एक बात समझ में नहीं आई कि आप बाजार जाते तो हैं, आप बनारसी साड़ी लेके आते हैं, हाजमोला लेके आते हैं, ग्लूकोज का पानी लेके आते हैं, लेकिन 20 रुपए का कोको कोला क्यों नहीं लाते हैं? हम अपने मेहरारू को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम माठा पियो, तुम लस्सी पियो, कोको कोला पियोगी पेट में अपच हो जाएगा, इसलिए हम अपने मेहरारू को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम सभ्य मर्द हैं, थोड़ा सभ्यता में रहना चाहते हैं। क्या हुआ सजिंदा कहाँ है? सब लोग यहीं पे हैं, अभी तक लगा नहीं। करण कहाँ है? लाने गए तो पहले लाना चाहिए ना। तो चलिए दिल से थैंक यू पूरे नेपाल को, और आपने इतना प्यार, मुझे अच्छा लग रहा है। नेपाल में कई दफा आ चुका हूं मैं, लेकिन एक बार और आया था तो शो बहुत हिट गया था, गाड़ी ओड़ी भी बहुत हिट गई थी मेरी, चार चार गाड़ियां हिट हो गई थी। बट ठीक है, समस्या के साथ चीज़ें होती है, इसीलिए मैं हमारे जो भाई हैं करण, जो कि ऑर्गेनाइजर है इसके, उनसे मैं बोला कि भाई करा तो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा नेपाल में रिस्क बड़ा होता है, दीवानगी बहुत ज़्यादा है नेपाल के लोगों के बीच में मेरी, और वो प्यार बहुत करते हैं। मेरा गाना कोई हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग करे ना करे, बट आप लोगों के बीच में नेपाल में तो ट्रेंड करता ही करता है, तो ये आप लोगों का प्यार है। हाँ तू बिहार साइल बड़ा, अरे गजब लड़का बड़ा, तू ईश्वर के रूप बड़ा, बैठा होने जुड़ा बतहार, टिकट कटल बड़ा कि छरदवाली फन गए बड़ा। तो बस थैंक यू आप सबका। कब आएगा सजिंदा बाबू, टीम वाले कब आएंगे? इसी होटल में है ना, स्वागत करना है आप लोगों को। अच्छा जल्दी कर लीजिए ताकि कार्यक्रम हम शुरू करें। आज प्रीति संग संग गई, प्रीति के साथ साथ में आज इस मंच पे वन ऑफ माय फेवरेट डांसर रिबिका एंड चांदी भी इज आल्सो हियर। लेट्स वेलकम एक बार जोरदार हल्ला रिबिका एंड चांदी के लिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि गृह प्रवेश हो रहा है आज मेरा। इतना स्वागत कम होता है ना, हम तो आते ही बस शुरू हो जाते हैं। गौरव दाई मेरा आवाज सुनते हुए कृपया मंच में आई दिन होला। आज कमिटी का अध्यक्ष गौरव वर्मा जी, यदि मेरा आवाज सुनते हुए कृपया मंच में आई दिन होला। कितना टाइम, थैंक यू भाई। म्यूजिशियन कहाँ है? सब इसी होटल में है, अभी तक आप लोगों ने लगवाया नहीं था और मुझे बुला लिया, मैं क्या अकेले क्या करूं? का बेची हम अकेले? ये लीची कोको कोला ये सब आपके नाम से जुड़ा हुआ है सर, आप यहाँ पे आ गए तो सब खत्म। मैंने हम यहाँ सिंगर बन के आए हैं कि कस्टमर बन के आए हैं? तो हमारे के व्यापारी बना दहला मर दे। वो गाना में हो सकता लेकिन बेचा था नहीं ठेला पर लीची रह जाऊ, सब होगा। म्यूजिशियन किस होटल में है? म्यूजिशियन मेरे आए हैं वो किस होटल में? नहीं लेकिन पहले बुला के बैठा उनको, हाँ गए फटाफट लगवाइए, पहले बुला लेना चाहिए था ना। हाथ तो रख, जल्दी लगाइए 5 मिनट में रेडी करिए। माइक ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ बैलेंस करना। समीर सर आज आपके परफॉर्मेंस के बाद वो समय नहीं मिलेगा, स्वागत के रूप में और बीरगंज की याद के रूप में कुछ है जो आयोजक कमेटी की तरफ से आपको हम लोग देना चाहते हैं। बिल्कुल दे दीजिए समीर, वो जितना पैसा है सब मेरे को दे दीजिए।
सब दे चुके हैं सर आपको। ना ना, हम ये सब हम काम नहीं करते हैं, हम यहाँ फ्री में आए हैं ताकि चैरिटी शो है और मेरा भी योगदान इस कमेटी को होना चाहिए जहाँ पे गरीबों के लिए ये शो किया जा रहा है, मजबूर लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए। तो मैं भी चाहा कि मेरा भी योगदान हो जाए। और करण जो कि ऑर्गेनाइजर हैं, जिनसे मेरा काफ़ी आज 5 साल 7 साल से संबंध है, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल सारा वही करते हैं और उन्हीं के द्वारा अब पूरे नेपाल दे रहे हैं मुझे। आपको आइए, देते रहिए, आइए, क्या बात है। थैंक यू। पूरी नेपाल के नक्शा दे दिए हमें, इसी रास्ते से आना है ना हमको। चलिए अब मेरे को आने जाने में भंसार नहीं कटाना पड़ेगा, यह लेके घुस जाए। थैंक यू। माइक वाले भाई कहाँ है, साउंड वाले प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए ताकि जल्दी से एस्टिमेट का सब हो जाए। ये मंच जरा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मंच को जरा खाली कर दिया जाए ताकि जाने से पहले कर लेते। कोई नहीं, हो जाएगा, 5 मिनट में सब हो जाएगा। जो अपने लोग हैं वो बैठ जाएं कहीं अस्थिरता की, मंच भरा ना लगे, नहीं तो 5 लोगों को देख के 5 लोग और बढ़ते हैं। तो बस नेपाल को दिल से थैंक यू। और एक मेरा सिनेमा भी लगा है इधर, रंग दे बसंती, अभी मैं उसी के प्रचार लगातार कर रहा हूँ। आज मैं मोतिहारी रक्सौल सोना में भी जाना था मुझे, बट टेंगे टेंगे के चलते इधर आ गया। भैया वो बाद में बतियावल जाई चुनाव, अब देख हमें नेपाल के चुनाव ही करा, इंडिया के टेंशन ले लेबा कि के हारल के जीतल वो लोग।